आप लोगों को मैं आज अपलोड कर दूंगा। लूप्स के बाद एक असाइनमेंट आपकी आएगी लिस्ट्स की, उसके बाद दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, एक डिक्शनरी है और एक फंक्शन है। फंक्शन काफ़ी सिंपल सा है, डिक्शनरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फंक्शन आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी एक नई चीज़ है बस, बाकी सारा पुरानी चीज़ें हैं। डिक्शनरी जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। उससे पहले हम लोग इनपुट लेने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इनपुट का टॉपिक यहाँ पे अब आया ये चैप्टर, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद लूप्स की जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे बनानी है, ताकि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके जो क्वेश्चंस है वो मैं थोड़े से आपको बता दूंगा। अच्छा, उसके यहाँ पे गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, आपको पता है कि इनपुट की कमांड हम लोग यूज करते हैं। ये इनपुट की कमांड मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इनपुट लेते हो यूजर से, और यूजर जो चीज़ एंटर करता है वो इस वेरिएबल में सेव हो जाती है। जब वेरिएबल ही कोई सा भी हो, का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। और ये जो स्ट्रिंग होती है इन्वर्टेड कॉमास में, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होती है यूज़र की इंफॉर्मेशन के लिए, कि यूज़र ने किस टाइप की का डाटा एंटर करना है, जिस टाइप का डाटा आपने रिक्वायर्ड है आपको। अब यहाँ पे आपने बताया एंटर द नेम ऑफ सिटी, तो यूज़र को पता लग गया कि उसने किसी सिटी का नेम एंटर करना है, तो जो नेम वो एंटर करेगा वो इस वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बेशक इसको खाली छोड़ दो, सिर्फ इनपुट ले लो, तो फिर भी यूज़र जो एंटर करेगा वो यहाँ पे सेव होगा। ये जो चीज़ होती है कि पार्ट ऑफ द कोड नहीं होती, ये चीज़ सिर्फ डिस्प्ले होती है स्क्रीन के ऊपर, और ये कुछ भी हो सकती है, इसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी डिस्प्ले करवा दो। जैसे प्रिंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी चीज़ लिख दोगे तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी, उसे कोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पार्ट ऑफ कोड नहीं होती। इसी तरह इनपुट का जो ये ब्रैकेट्स होती हैं और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इसमें जो कुछ भी लिख दोगे वो पार्ट ऑफ कोड नहीं होगा, वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन। तो अब क्या है, व्हेन द कोड अबव रन्स द मैसेज एंटर द नेम ऑफ सिटी डिस्प्लेज ऑन द यूजर स्क्रीन। तो यूजर की स्क्रीन पे हमारे पास क्या आ जाता है, एंटर द नेम ऑफ सिटी, और साथ एक फिल द ब्लैंक आ जाती है जो यूजर ने फिल करनी होती है। पाइथन देन वेट्स फॉर द यूजर टू टाइप अ सिटी नेम एंड प्रेस एंटर। उसके बाद पाइथन क्या करेगा कि वेट करेगा, प्रोग्राम को आगे रन नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा जब तक आप कोई चीज़ एंटर नहीं कर देते, टाइप नहीं कर देते, उसके बाद एंटर नहीं प्रेस कर देते। द नेम टाइप बाय द यूजर इज असाइंड टू द वेरिएबल सिटी टू चेक। तो क्या होगा कि जो भी चीज़ या जो भी नाम यूजर टाइप करेगा वो सिटी टू चेक के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। देन वी विल रन द लूप फ्रॉम द लास्ट चैप्टर टू गिव द यूजर एन आंसर। उसके बाद हमने पिछले चैप्टर में जो लूप चलाया था सिटीज वाला, जिसमें हमने देखा था कि जो सिटीज है वो क्लीनेस्ट सिटी है, टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज हैं कि नहीं, अगर आपको याद हो, तो ये वहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे। लेट्स ब्रेक डाउन द कोड, कोड को ब्रेक डाउन करें। इसके हमारे पास चार पांच पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल का नाम, ये आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी रख सकते हो आप। उसके बाद आपने इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद आपने इनपुट लिखनी है लोअर केसेस में, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है और इन्वर्टेड कॉमा साथ होनी चाहिए, और उसके बाद आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नोट दैट यू मस्ट प्रोवाइड अ वेरिएबल टू होल्ड द यूजर्स इनपुट। अब इसमें वेरिएबल का जो नाम है ये प्रोवाइड करना इनपुट के साथ लाजमी होता है। अगर आप वेरिएबल का नाम प्रोवाइड नहीं करोगे तो इनपुट की कमांड कभी भी रन नहीं होगी। तो फिर क्या करेगा, पाइथन ब्रेक्स, पाइथन एरर दे देगा। तो आपने वेरिएबल का नाम लाजमी साथ अटैच करना है। अब इसमें क्या है कि पाइथन ट्रीट्स द वैल्यू टाइप बाय द यूजर एज अ स्ट्रिंग। तो पाइथन हमेशा से, हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो वैल्यू यूजर इनपुट देता है उसको हमेशा से स्ट्रिंग की फॉर्म में ट्रीट करता है, उसको स्ट्रिंग ही लेता है। चाहे आप नंबर एंटर कर दो, चाहे आप स्ट्रिंग एंटर करो, पाइथन ने उसको स्ट्रिंग ही बनाना है। तो पिछले कुछ कोड में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इंट करके इसकी टाइप चेंज कर दी थी। तो अब जो भी इसमें यूजर इनपुट देता है वो स्ट्रिंग ही होता है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है मंथली इनकम, इनपुट उसने किया एंटर योर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम हमेशा से नंबर्स की फॉर्म में होती है, तो उसने अपनी मंथली इनकम एंटर कर दी है 4000। अब आप क्या करते हो, 4000 चूंकि देखने में नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी एनुअल इनकम अगर निकालेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यू ट्राई टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 टू कैलकुलेट द यूजर्स एनुअल इनकम। तो हम लोग उसकी एनुअल इनकम निकालने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे क्या होगा, पाइथन ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि 4000 जो है वो स्ट्रिंग टाइप में सेव हुई भी है, वो इंटीजर टाइप में सेव नहीं हुई भी। दैट्स बिकॉज यू हैव आस्क्ड पाइथन टू मल्टीप्लाई समथिंग दैट पाइथन कंसीडर्स अ स्ट्रिंग।
4000 नॉट 4000, तो ये है जी 4000 इन्वर्टेड कोमास की फॉर्म में पाइथन इसको ट्रीट करता है, यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में ट्रीट करता है, उसको नंबर की फॉर्म में ट्रीट नहीं करता। सो स्ट्रिंग और इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है। जैसे आप कहो कि आप अपने नाम को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आप अपने नाम को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नाम जो है वो लेटर्स हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, और 5 जो है वो नंबर या इंटीजर की फॉर्म में। If you want it to be a number, then Python can do math on you must convert it. तो अगर आपने इसको नंबर बनाना है तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, जैसे हम लोगों ने पिछले कोर्स में किया। हम लोगों ने इंटीजर इसकी टाइप कर दी, तो मंथली इनकम जो है उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। मंथली इनकम एज इंटीजर उसने नया वेरिएबल बना लिया। हम लोगों ने जो शॉर्टकट अप्लाई किया था वो क्या किया था कि जो इंटीजर वाली टाइप है वो हमने डायरेक्ट इनपुट के साथ अटैच कर दी थी, ताकि हमें नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़े। मंथली इनकम स्ट्रेट अवे ही इंटीजर की फॉर्म में सेव हो गया। As I think you know by now, a variable name I made up, you can use any other legal variable name instead. तो इसने यहाँ पे दोबारा से बताया कि वेरिएबल नाम में, चूंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं वेरिएबल नाम में, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसने यहाँ पे ये दोबारा से बताया कि वेरिएबल नेम उसने अपनी मर्जी से मेडअप किया है, खुद से बनाया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लीगल वेरिएबल नेम बना सकते हो, और उसकी लीगैलिटीज में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है हम लोग पढ़ चुके हैं, कि ये इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और इस तरह की दो तीन और चीज़ें जो हमने चैप्टर इस बुक के स्टार्ट में पढ़ी थी। यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ फ्लोट, अ नंबर विद डेसिमल प्लेसेस, यूज द कीवर्ड फ्लोट। अब हमने इंटीजर जो है वो विदाउट डेसिमल प्लेसेस होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लोट जो होता है वो विद डेसिमल प्लेसेस होता है। तो अगर आप इसको फ्लोट की टाइप में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि ये मंथली इनकम को आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो जब भी आपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पाइथन के अंदर, आपने हमेशा उसको फ्लोट लेके चलना है, इंटीजर लेके नहीं चलना, क्योंकि जो मैथ की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा बात करो, साइन कॉस वगैरह लेने की बात करो, तो उसमें क्या है, उसमें आप को हमेशा से पॉइंट्स में जाना पड़ता है, डिवीजन में भी पॉइंट्स में जाना पड़ता है वैसे। तो फिर आपने क्या करना है, हमेशा से इंटीजर को नहीं यूज करना है, इंटीजर सिंपल टाइप ऑफ वेरिएबल्स जिसमें आप एज वगैरह पूछ लेते हो, और जैसे मंथली इनकम पूछ लिया है, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जब आप किसी से डिजायर करते हो उस केस में हम इंटीजर यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैथ की बात आती है जिसमें मैथ को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट्स को भी ट्रीट करता है, तो आपकी मोस्टली मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉइंट्स वाली होती हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको फ्लोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लोट कर दोगे इसको। इसने वेरिएबल में क्या कर दिया, मंथली इनकम एज अ फ्लोट, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद उसने कहा, समटाइम्स यू नीड टू कन्वर्ट अ नंबर टू अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, सपोज पाइथन हैज लुक्ड अप द मिनिमम वेज इन योर स्टेट, इट्स 15, अ नंबर, इट्स स्टोर्ड इन अ वेरिएबल मिनिमम वेज इफ यू राइट। अब उसने कहा कुछ दफा आप हमें क्या करना पड़ता है, हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसने कहा कि मिनिमम वेज किसी स्टेट की हम लोगों ने देखी, तो $15 उसकी मिनिमम वेज है। लेकिन अभी मिनिमम वेज में हमारे पास जो नंबर सेव है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर सेव है। प्रिंट में हम लोग जब भी प्लस करते हैं, प्लस करने के लिए जरूरी होता है कि दोनों जो टाइप्स हों वो सेम हो। तो मिनिमम वेज इन योर स्टेट इज डॉलर, ये जो है ये स्ट्रिंग है, तो प्लस के बाद जो वेरिएबल लिखो वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए, लाजमी बात है। अगर वो स्ट्रिंग की जगह इंटीजर होगा या फ्लोट होगा तो पाइथन यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ जो थिंग्स होती हैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ये मैं आपको पहले भी बता एग्जाम्पल दी थी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में ऐड नहीं होते हैं, वेलोसिटी ही आपस में ऐड होते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के जो यूनिट्स हैं, ये दोनों की जो टाइप है वो डिफरेंट है। इसी तरह पाइथन में जब दो चीज़ें आप ऐड कर रहे हो प्रिंट के अंदर, तो या वैसे भी ऐड कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि दोनों की टाइप सेम हो। अगर दोनों स्ट्रिंग होंगी तो ऐड हो जाएंगी, दोनों इंटीजर होंगी तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर दोनों में से एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है तो वापस में ऐड नहीं होगी। अब इस तरह की जब आप चीज़ प्रिंट करते हो तो क्या करेगा, ये आपको एरर दे देगा। इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रिंग बनाना चाहिए। स्ट्रिंग बना लोगे तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे, फिर एरर नहीं होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि टाइप चेंज करने के लिए आपको नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होती, आप उसी वेरिएबल की टाइप भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट आपने क्या लिखना है, वही वेरिएबल इज इक्वल टू जो टाइप आपने रखनी है, और ब्रैकेट में वही वेरिएबल। तो अब मिनिमम वेज की जो टाइप थी पहले वो इंटीजर थी, अब मिनिमम वेज की ही टाइप स्ट्रिंग हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे उसने अगर आप देखो तो उसने एज एन इंटीजर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया, तो ये मंथली इनकम को डायरेक्ट स्ट्रेट अवे इंटीजर भी बना सकता था, मंथली इनकम को स्ट्रेट अवे फ्लोट भी बना सकता। तो इसने खुद से अपनी मर्जी से इनको अलग अलग वेरिएबल में सेव किया, ये वैसे जरूरी नहीं है, आप इसको सेम वेरिएबल भी रख सकते हो।
उसके बाद चेंजिंग केस, केस आपको पता है क्या होता है इंग्लिश में, जब आप लिखते हो तो एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है। अपर केस क्या होता है कि जिसमें सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल होते हैं, लोअर केस में सारे स्मॉलर होते हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉलर होते हैं। यूजिंग इनपुट यू आस्क द यूजर टू एंटर हर सिटी, देन यू चेक हर सिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ 5 क्लीनर सिटीज। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि अगर आपने एक लोअर केसेस लेटर में कोई चीज लिखी है और वेरिएबल में अपर केस लेटर में वो चीज सेव है, तो वो दोनों आपस में डिफरेंट कंसिडर होंगी। तो यहाँ पे उसने बताया, इफ यूजर एंटर्स चेन्नई और एनी ऑफ दी अदर क्लीनर सिटीज, योर कोड डिस्प्ले अ मैसेज टेलिंग हर दैट इट्स वन ऑफ द क्लीनर सिटीज। बट वट इफ शी एंटर्स चेन्नई, तो नहीं है कुछ और ही है, चाइन है मेरे ख्याल से, चलो जो भी है। तो यहाँ पे उसने बताया कि अगर वो कैपिटल सी के साथ ये चाइन लिखेगी यूजर, इफ इफ द यूजर इज शी, इसके हिसाब से यूजर शी है, तो उसने चाइन लिखा है कैपिटल सी के साथ। आपकी लिस्ट में जो सिटीज हैं अगर यहाँ पे आप देखो तो वो कैपिटल सी के साथ, तो क्या होगा कि जब वो चेक करेगा उसको लूप लगा के, हमने चेक किया था, तो आपका कोड आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा कि हाँ भाई ये क्लीनर सिटी है। लेकिन अगर वो उसको स्मॉल सी के साथ लिखेगा, लिखेगी इंस्टेड ऑफ कैपिटल सी वाला चाइन, एज सम यूजर इनएविटेबली विल, क्योंकि बहुत सारे यूजर ये करते भी हैं, जरूरी नहीं है कि सब ही उसको कैपिटल सी के साथ लिखें। व्हेन दैट हैपेंस देयर विल बी नो मैच, पाइथन इज लिटरली लिटरल माइंडेड टू पाइथन, चाइन इज नॉट चाइन। तो यहाँ पे इसमें भी बात किया है कि अगर वो स्मॉल सी के साथ वो सिटी लिख देती है यूजर, तो वो पाइथन जो है वो उसको मैच नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन बहुत लिटरल है, केस सेंसिटिव भी है, तो वो उसको चाहिए कि जो यूजर लिखे वो कैपिटल सी लिखे। अगर वो स्मॉल सी लिखेगा तो वो पाइथन कह देगा कि भाई ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अ ह्यूमन नोज दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट चाइन मीन्स चाइन, एक इंसान के लिए ये दोनों सेम है, आपको नजर आ रहा है ये दोनों सेम है, स्पेलिंग दोनों के एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सी का फर्क है, एक में सी स्मॉल है एक में सी कैपिटल। लेकिन पाइथन को ये नहीं पता, पाइथन का जो कोड है वो बना ही इस तरह है कि वो केस सेंसिटिव है, वो जिस आप जो लिखते हो कैपिटल या स्मॉलर ये उन दोनों को कंसीडर करता है। वी नीड सम वे टू गेट पाइथन टू रिकॉग्नाइज द अनकैपिटलाइज वर्जन एज मैच। इसके दो तीन तरीके हैं कि आप अनकैपिटलाइज वर्जन को भी मैच करवा दो। वो कैसे हैं, वी नीड सम वे टू गेट पाइथन टू रिकॉग्नाइज द अनकैपिटलाइज वर्जन। अच्छा, वन वे वुड बी टू एक्सपेंड द क्लीनर सिटीज। एक तरीका क्या है कि आप कैपिटल सी वाला भी चाइन डाल दो, स्मॉल सी वाला भी चाइन डाल दो, हम अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपकी क्लीनर सिटीज की लिस्ट जो पहले होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, इसमें चाइन होना चाहिए था, सेंटाफी होना चाहिए था, टैक्सन होना चाहिए था, ग्रेट फॉल और होनोलुलु होना चाहिए था, ठीक है। कि आपकी 6 सिटीज हैं, चाइन, सेंटाफी, टक्सन, ग्रेट फॉल्स, होनोलुलु, 5 हैं। तो लेकिन अब हम इसको अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर देते हैं, हम लोग चाइन के साथ साथ एक स्मॉल सी वाला चाइन भी डाल देते हैं, सेंटाफी के साथ एक स्मॉल सेंटाफी डाल देते हैं, टक्सन के साथ स्मॉल टक्सन, ग्रेट फॉल्स के साथ स्मॉल ग्रेट फॉल्स, होनोलुलु के साथ एक स्मॉल होनोलुलु, ठीक है। ये पहली बात तो ये, दैट्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कोडिंग, ठीक है। इसमें एक और मसला जो आपको नजर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सेंटाफा, यहाँ पे एस और एफ दोनों कैपिटल हैं, स्टार्ट वर्ड कैपिटल एस और कैपिटल एफ, यहाँ पे कैपिटल एस और स्मॉल एफ। लेकिन अगर कोई यूजर ऐसे लिखता है जिसमें सांता का एस कैपिटल लिखता है और फी का एफ स्मॉल लिखता है, तो फिर दोबारा से मैच नहीं होता, क्योंकि सांता में एस कैपिटल है और फी में एस स्मॉल है, इस तरह का कोई नाम यहाँ पे नहीं है। तो ये उसने बात की है, दैट्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कोडिंग, प्लस इफ द यूजर एंटर सांता फी स्मॉल एस कैपिटल एफ या स्मॉल कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और दरमियान में कोई एक लेटर गलती से कैपिटल लिख देता है, तो फिर क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं परसिस्ट करेगी, कोई इसमें वो चेंजिंग्स नहीं आई, क्योंकि अब दोबारा से ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये लिखे हैं यूजर ने, ये तीनों वर्ड्स इस लिस्ट से मैच नहीं हो रहे ये सेंसिटिव होने की वजह से। टू कवर ऑल दिस पॉसिबिलिटीज एंड अदर्स इट वुड टेक अ माइल ऑफ कोड। इन सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिस्ट जो है इसको लिस्ट को आपको 6 समूह का बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, चाइन का सी कैपिटल है, फिर आप एच कैपिटल करोगे, फिर ई कैपिटल करोगे, फिर वाई, फिर ई, फिर इसकी कॉम्बिनेशन को आप कैपिटल करना शुरू कर दो, तो वो आप पागल ही हो जाओगे, क्योंकि एक ही वर्ड में आपकी पूरी लिस्ट, आपकी लिस्ट का एक सफा बन जाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। द सोल्यूशन इज टू कोड द लिस्ट एलिमेंट इन लोअर केस,
एंड कन्वर्ट द यूजर इनपुट टू लोअर केस. तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, अपनी लिस्ट को लोअर केस में बनाओगे सारी को, और जो यूजर जो इनपुट देते हैं हम उसको चेंज करके लोअर केस बना लेते हैं. तो पाइथन आपको ऑप्शन देता है कि यूजर की दी हुई इनपुट को का केस आप चेंज कर सकते हो. यूजर की दी हुई इनपुट के जो लेटर्स हैं वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो केसेस हैं वो हम चेंज कर सकते हैं. अब इसमें इसका कोड क्या है, सिंपल सिटी टू चेक. हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने इनपुट जो भी डाल लिया हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिटी टू चेक का केस को लोअर कर लेंगे. सिटी टू चेक इज इक्वल टू सिटी टू चेक डॉट लोअर. इसका मतलब क्या है कि जो यूजर ने इनपुट दी है वो सारे के सारे जो लेटर्स हैं, अगर कोई कैपिटल है उसमें तो वो भी स्मॉल या लोअर हो जाएगा. अब हमारी जो लिस्ट है वो सारी लोअर केसेस की है. यूजर जो भी इनपुट डाले, अपर केस, लोअर केस, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस, जैसे ये सांता फी उसने डाला है, चाहे वो ये भी इनपुट दे दे, तब भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको लोअर केस बना लिया है. लोअर केस बनाने से क्या होता है कि उसकी जो इनपुट होगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी और फिर वो लिस्ट में उसको मैच कर लेगी. ठीक हो गया. उसके बाद आपने लूप लगाया, फॉर अ क्लीन सिटी इन क्लीनर सिटीज एंड सो ऑन. लूप आपको लगाना आता है, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं. लाइन टू कन्वर्ट्स द यूजर इनपुट टू ऑल लोअर केस. तो जो लाइन टू है यहाँ पे वो क्या कर रही है, यूजर की इनपुट को लोअर केस बना रही है. लाइन थ्री असाइन्स द नेम ऑफ द क्लीनर सिटीज इन ऑल लोअर केस टू द लिस्ट. लाइन थ्री में हम लोगों ने लिस्ट बनाई है क्लीनर सिटीज की, जिसमें सारे नाम हमने लोअर केस बना दिए हैं, अपर केस रखा ही नहीं है. और उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन कोड बिगन्स विद अ वेरिएबल. अब इसमें कन्वर्जन की जो तीन चार इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, कि आपने वेरिएबल का नाम लिखना है सिटी टू चेक. अब इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप उसी वेरिएबल के जो इनपुट है उसको लोअर केस करना चाहते हो, कि आपको नया वेरिएबल बनाना चाहते हो, ये भी आपकी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है. बेशक नया बना लो, बेशक यूजर की इनपुट को एज इट इज सेव रखो और जो लोअर केस कर रहे हो वो नया बना लो. तो अब इसने क्या किया, इफ आई वांट टू प्रिजर्व द यूजर्स एंट्री, अगर आप यूजर की एंट्री को प्रिजर्व करना चाह रहे हो तो आप एक नया वेरिएबल बना सकते हो. द इक्वल साइन सेज असाइन द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन दैट फॉलोज टू द वेरिएबल दैट प्रीसीड्स मी. इक्वल साइन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल उससे को प्रीसीड कर रहा है, जो उसके पीछे है, जो उसके सॉरी जो फॉलो कर रहा है उसको वेरिएबल, सिटी टू चेक इक्वल के जो पीछे है जो उसको फॉलो कर रहा है, और जो चीज़ उसके आगे प्रोसीड कर रही है, जो उसको आगे लेके चल रही है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो. तो अब सिटी टू चेक के अंदर क्या चीज़ सेफ हो जाएगी, सिटी टू चेक की वैल्यू इन लोअर केस. या फिर अगर आप इसमें देखो तो क्या है, लोअर केस सिटी टू चेक एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू सेव हो रही है, सिटी टू चेक के अंदर जो वैल्यू सेव है उसकी लोअर केस फॉर्म. तो इसका जो कोड है बड़ा सिंपल है, वेरिएबल लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, जिस वेरिएबल को लोअर केस करना है वो लिखेंगे, डॉट लोअर और ब्रैकेट्स लगा देंगे. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसको अपर केस भी कर सकते हो. यू कुड गो द अदर वे एंड कन्वर्ट द यूजर्स एंट्री टू ऑल अपर केस, सारी अपर केस कर दो, अपनी लिस्ट को अपर केस बना लो. तो ये भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट अपर लिखना पड़ेगा, डॉट लोअर से लोअर केस हो जाता है, डॉट अपर से अपर केस हो जाता है. उसके बाद ये आउटपुट में उसने ये दिखा दिया. सपोज यू हैव कन्वर्टेड द स्ट्रिंग स्टोर्ड इन सिटी टू चेक टू ऑल लोअर केस फॉर कंपैरिजन विद ईच लोअर केस लिस्ट एलिमेंट. नाउ यू वांट टू यूज द वेरिएबल टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर, बट दिस विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट यू डोंट वांट, द सिटी नेम इन ऑल लोअर केस. सो यू डू अनदर कन्वर्जन टू गिव द सिटी नेम एंड इनिशियल कैपिटल लेटर. अब इसमें आपको मैंने बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं, एक सारी अपर केस होती हैं, एक सारी लोअर केस होती है, एक सेंटेंस केस होता है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और लास्ट लेटर जो बाकी लेटर जो होते हैं वो लोअर होते हैं. यहाँ पे उसने यही कहा कि आप लोगों ने लोअर केस कर लिया या अपर केस कर लिया, जैसे आपको ठीक लगा. आप लोगों ने लूप चलाया, आप लोगों ने उसके बाद चेक भी कर लिया कि हाँ भाई ये जो सिटी है ये क्लीनर सिटी है कि नहीं है. अब हमने प्रिंट करवाया, ग्रेट न्यूज, सिटी टू चेक की वैल्यू इज वन ऑफ द क्लीनर सिटीज. आपने ये लूप चलाया. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि ये जब डिस्प्ले करेगा तो जो सिटी टू चेक के अंदर, चूंकि हम लोग लोअर केस ले आए हैं, तो ये चाइन का सी स्मॉल कर देगा. लेकिन आपको पता है कि जो सिटीज़ होती हैं उनका जो इनिशियल्स होते हैं वो हमेशा से कैपिटल होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो थोड़ा सा कैची सा डिस्प्ले हो, आवाज़ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही सर, आ रही है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा सर, देखो क्लियर आ रही है आपकी आवाज. अच्छा, तो इसमें आप लगे नेट का इशू है. फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो चाइन का अगर सी कैपिटल करना है तो आप क्या करोगे, आप उसका जो
उसको टाइटल इसको हम लोग कहते हैं कि टाइटल भी जो होता है उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जब आप इसको टाइटल कर दोगे तो क्या होता है उसके जो इनिशियल्स हैं फर्स्ट लेटर है वो दोबारा से कैपिटल हो जाएगा. तो चाइन जो है वो ये कैपिटल सी के साथ बन जाएगा, सांता फी जो है वो कैपिटल एस और एफ के साथ बन जाएगा. ठीक है, तो इसमें तीन कमांड हम लोगों ने पढ़ी है, लोअर अपर और टाइटल. चलिए जी अब डिक्शनरी आ जाती है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का डिक्शनरी वो आ गया. अभी मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें तो हम लोग फिर इसको स्टार्ट